होली से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने किसानों का गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। किसानों को अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मिलेगा भाव। निर्धारित समर्थन मूल्य खरीद वर्ष 2023-24 से होगा प्रारंभ। 8 साल बाद गेहूं के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। खाद और डीजल के दाम बढ़ने से परेशान काफी समय से उठा रहे थे गेहूं मूल्य बढ़ाने की मांग। त्योहार पर सरकार ने किसानों को दिया बड़ा गिफ्ट। समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को गेहूं उपज का मिलेगा सही लाभ। बरेली शहर कोतवाली को मिला यूपी में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का तमगा। निर्धारित मापदंडों पर गृह मंत्रालय ने जारी की 2022 की रैंकिंग। देश के टॉप 10 पुलिस थानों में शामिल की गई बरेली कोतवाली पिछले दिनों आयोजित डीजीपी और वार्षिक सम्मेलन में जारी की देश के श्रेष्ठ थानों की रैंकिंग। गृह मंत्री भारत सरकार ने समारोह में किया देश के अति श्रेष्ठ थानों के नामों का ऐलान। बरेली कोतवाली को यूपी का नंबर 1 थाने का पुरस्कार मिलने से जिले के अंदर पुलिस महकमे में छाई खुशी। बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में वार्षिकोत्सव इन्वर्सिया 2023 का हुआ भव्य आयोजन। इन्वर्सिया स्टार नाइट में मशहूर सिंगर गुरु रंधावा ने लाइव परफॉर्मेंस देकर मचाई धूम। इन्वर्टिस के कुलाधिपति एवं बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने विभिन्न तरह के फन एवं गेम्स एक्टिविटीज में शामिल हुए स्टूडेंट्स का बढ़ाया हौसला। जीवन में कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ते रहने के सिखाए मंत्र। पहले दिन SSP अखिलेश चौरसिया ने और चांसलर डॉक्टर उमेश गौतम ने किया इन्वर्सिया का उद्घाटन। दूसरे दिन सजी स्टार नाइट गुरु रंधावा ने गीतों से बांधा समा। लाइव परफॉर्मेंस देते हुए गुरु रंधावा ने स्टूडेंट से किया सीधा संवाद और अपने सपने साकार करने को मेहनत करते रहने का दिया संदेश। एडीजी जोन बरेली PC मीणा की मां हरकू देवी का जयपुर में हुआ निधन। वह पिछले कुछ समय से चल रही थी अस्वस्थ। शनिवार सुबह अस्पताल में उन्होंने ली अंतिम सांस। पता होते ही जयपुर रवाना हुए एडीजी बरेली PC मीणा। एडीजी की मां के निधन पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, DG फायर सर्विस अविनाश, DG होमगार्ड VK मौर्य, महानिदेशक कारागार आनंद कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार, IG बरेली डॉक्टर AK सिंह, DIG बरेली अखिलेश कुमार चौरसिया सहित राज्य के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जताया गहरा शोक। बरेली में पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों ने बांग्लादेशी महिला साबरी को किया गिरफ्तार। थाना शीशगढ़ इलाके के गांव बुझिया में अवैध रूप से रहती मिली बांग्लादेश की रहने वाली साबरी। पासपोर्ट के लिए किया था आवेदन तो जांच में खुल गया भेद। बांग्लादेश में पैराडिगा सतखेड़ इलाके की रहने वाली है साबरी। बहन खातून के साथ 9 बरस की उम्र में घुसपैठ कर आई थी भारत। बरेली में बुझिया गांव के अली हुसैन के साथ कर दी गई थी साबरी की शादी। 43 साल की उम्र में साबरी पर विदेशी विषयक अधिनियम के तहत कसा गया कानूनी शिकंजा। 4 बच्चों में एक बेटी की शादी भी कर चुकी थी बांग्लादेशी महिला। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की बढ़ाई गई तिथि। अब 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। आवेदन की तिथि बढ़ने से बरेली में युवाओं की टेंशन हुई दूर। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आयोजित कराने जा रहा BEd एंट्रेंस एग्जाम। कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं जारी होने के चलते बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। 5 अप्रैल तक बगैर विलंब शुल्क के किए जा सकेंगे आवेदन। इसके बाद देना होगा लेट शुल्क। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST संग्रह में बरेली जोन ने इस बार लगाई 24% की छलांग। कर संग्रह की रैंकिंग में राज्य के अंदर 9वें स्थान पर पहुंचा बरेली। GST संग्रह में बढ़ोतरी को कारोबारी तेजी से जोड़कर देख रहे अफसर। पिछले वित्तीय वर्ष में बरेली जोन के अंदर हुआ था 981 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन। इस बार वित्तीय सत्र खत्म होने से एक महीना पहले फरवरी में आंकड़ा जो पहुंचा 1192 करोड़ से भी आगे। टैक्स कलेक्शन में उछाल दर्ज किए जाने पर GST अफसरों ने बरेली के व्यापारियों को दी बधाई। बरेली में किन्नरों पर लगा अपने ही ड्राइवर का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप। पुलिस को विशारतगंज इलाके में लहूलुहान पड़ा मिला ड्राइवर। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है पीड़ित। विशारतगंज के रहने वाले किन्नरों की कार चलाता था व्यक्ति। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर 5 बच्चों के पिता के साथ वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली के 300 बेड हॉस्पिटल में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। अस्पताल से चोरी हुए 2 आरोप। इससे पहले भी हॉस्पिटल से चोरी हो चुके हैं कई उपकरण। कोरोना काल में 300 बेड अस्पताल को कोविड अस्पताल में कर दिया गया था तब्दील। उसी दौरान अस्पताल में आए थे 6 आरोप। हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए मौजूद है बस एक ही गार्ड। रात में नहीं रहता कोई भी सुरक्षा गार्ड। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया मामला लेकिन कोई नहीं ले रहा सुध। 300 बेड अस्पताल के CMS ने चोरी हुए आरओ के बारे में जांच की जाने की कही बात। बरेली में एक युवक ने मानवता को किया शर्मसार। किला थाना बमनपुरी से क्रूरता का मामला आया सामने। बड़ी बमनपुरी में कारीगर अब्दुल ने कुत्ते को सरिया से मार मार कर दिया घायल। पास में ही रहने वाले युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट। कारीगर अब्दुल के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत किला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। इससे पहले भी अब्दुल ने प्रेग्नेंट कुतिया पर फेंक दिया था तेजाब। उस दौरान अब्दुल के मालिक ने पैरवी कर निपटा दिया था मामला।